हमने नहीं लड़ना, किसे कुछ नहीं करना, लेकिन हमारी भी तो अवस्था है, हम क्या करें, मर जाएं, आत्महत्या कर लें, हमारा दर्द क्यों नहीं कोई बताना चाहता। अभी राम मंदिर लिया है, इसके बाद ज्ञानवापी लेंगे, फिर काशी लेंगे, मथुरा लेंगे, फिर ताजमहल लेंगे, कुतुब मीनार भी लेंगे। और इनकी अराजकता को निचोड़ हमारे योगी महाराज बाबा ने निकाल लिया है। अत्याचार, इस्लामी अत्याचार हम पे नहीं चाहेगा। नुपुर शर्मा से जो पर्चा किया गया है उसे बर्खास्त किया जाए बच्चे को। इस तरीके से कल हिंसा हुआ, क्या कहिएगा, कल हिंसा हुआ जुम्मे के नमाज के बाद। जुम्मे, ये हर बार शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पे दंगे करते हैं, ये अब नहीं चलेगा। इन पे कानून बनाना चाहिए। हम आज तक मांग करते हैं कि नुपुर शर्मा ने ऐसा कोई गलत काम, मतलब कुछ वर्ड नहीं बोले हैं जो इनकी इस्लामिक पुस्तकों में और इनके मौलाओं ने, धार्मिक मौलाओं ने 50 बार मीडिया के सामने और धर्म मंच पे बोली है बातें। हिंदू सेना हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पे समर्थन कर रही है। नुपुर शर्मा का पूरा समर्थन में हिंदू सेना। देखो, जो हिंदू, मैं उसे हिंदू नहीं मानता, जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वालों के समक्ष में ऐसे वर्ड वो यूज कर रहा है, वो खुद हिंदू नहीं है। पहले वो अपने अपनी जांच करे कि वो हिंदू है या नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी और महमूद मदनी मांग कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अब उन्हीं को तरफ देख लो, अब वो जो फतवे जारी कर रहे हैं, कोई जवान काटने के लिए कह रहा है, कोई गर्दन काटने के लिए कह रहा है, हिम्मत है तो जाके काट के दिखाओ ना। पहले नुपुर शर्मा भाजपा कार्यकर्ता थी, अब उनके साथ हिंदू खड़ा है, भारत का हर हिंदू खड़ा है, तो ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। कुरान में जो लिखा था, नुपुर शर्मा द्वारा जो है जवाब की एक प्रतिक्रिया दी गई थी सवाल की, जो मुस्लिम पक्ष ने टीवी डिबेट में बोला था। सारा जो सम्मान देने का ठेका हिंदू ने थोड़ी ना ले रखा है। वो बैठ के जो है लाइव टीवी पे जो है हमारे जो है देवी देवताओं को अपमान करते रहेंगे, उसके बाद भी हम सुनते रहेंगे। उन्होंने अपमान किया, हमने जो है प्रतिक्रिया दे दी, हमारी बहन ने, नुपुर शर्मा ने क्या गलत किया। भाई साहब, जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, नमाज अदा की जाती है, लेकिन पत्थर कैसे इकट्ठे किए जाते हैं वो तो, ये तो सुनियोजित तरीके से ही होता है। इतनी हजारों की भीड़ में और इतने ही हजार पत्थर इकट्ठे कर लिए जाते हैं जुम्मे की नमाज से पहले, तो कुछ तो प्लानिंग इनकी सुनियोजित तरीके से चल रही है। टोटली जो है दंगा फैलाने की और आग लगाने की इनकी हिमायत है। वो समय गया, पुलिस प्रशासन वहाँ मजबूत हाथों में है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो कफन बांध के सर पर निकल लेंगे, कोई पागल नहीं है, प्रशासन पागल नहीं है, सरकार पागल नहीं है, मजबूत हाथों में सत्ता की बागडोर है, कोई फेल नहीं होने वाला। वहाँ बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है, जो हो रहा है उसी के समर्थन में जो है, उसी को देखते हुए बहन नुपुर शर्मा के लिए यहाँ पैदल मार्च हिंदू संगठनों ने रखा था। नुपुर शर्मा के साथ हर हिंदू खड़ा है और हमारी आवाज को इस तरीके से नहीं दबा जाएगा। आज एक यहाँ पर खड़ी है, कल 50 होंगी और हम भी देखते हैं हमें कौन रोकता है। अगर पत्थर कर मारने वालों को नहीं रोका जाता तो हम तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हमें क्यों रोका जाएगा। तो ये कश्मीर मॉडल है जो पूरे देश में शुरू करते जा रहे हैं। पहले कश्मीर में होता था, अभी किराना कश्मीर सब ये है। और बात देखिए नुपुर शर्मा की हो रही है, सब बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने ये बोला, वो तो चलिए जो बोला, लेकिन बात को ये क्यों नहीं कर रहा कि उसने हमारे महादेव को ऐसे शब्द यूज़ करे हैं, ऐसे ऐसी गालियाँ दी हैं। तो हम समाज अपने महादेव अपने शिव के लिए हमारे कोई आस्था ही नहीं है यार। वो फतवे निकाल रहे हैं, गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम यहाँ नॉर्मल अपनी बात रखने में आते हैं तो पुलिस डंडा मार के साइड कर देती है। भाई देखिए, मुसलमानों को नहीं डराया, इतिहास पढ़ लो, 1400 साल से डराया तो हिंदुओं को जा रहा है। स्थिति हिंदुओं की देखो, आज के टाइम में क्या हो गई है, हिंदुओं की यह स्थिति है। हिंदू रहना मुश्किल हो गया 9 जिलों में, हिंदू के पास कुछ बचा नहीं है। मुसलमान 57 देश बना लिए, हिंदू कहाँ है, खत्म हो गया। यहाँ से भी 9-10 राज्यों में हिंदू खत्म है। तो देखिए, वो काट देंगे भाई, वो सब कुछ कर देंगे, वो गर्दन काट देंगे, सब कर देंगे, वो करते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम इवन अपनी बात तक नहीं रख सकते। हमारी यह स्थिति है, हम बात रखेंगे तो हमारे खिलाफ उल्टे हो जाएंगे सारे। वो प्लानिंग होती है वहाँ से नमाज से, सारी नमाज में बैठ के वो यही तो चीज़ सिखाई जाती है उनको कि क्या करना है, क्या प्लानिंग है, लेकिन अपना समाज इसको कुछ जानते नहीं है, समझते नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं होगी कि आने वाले समय ये स्थिति बन जाए कि जुमे की नमाज के बाद रास्ते बंद हो जाएंगे, हमारे पुलिस प्रशासन जिसको हम इतना सपोर्ट करते हैं इनका निकलना बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति बना दी है उन्होंने देश में और हो रही है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि नुपुर शर्मा ने एक वक्तव्य बोला और पूरे देश को, उन्होंने विदेश तक में उसके खिलाफ हो गए, लेकिन यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि इलियास ने हमारे भगवान शिव के शिवलिंग के लिए ऐसे ऐसे शब्द यूज करे हैं। और मैं कहता हूँ हमारा हिंदू समाज क्यों नहीं इस पर बोलता यार, हमने नहीं लड़ना, किसे कुछ नहीं करना, लेकिन हमारी भी तो अवस्था है, हम क्या करें, मर जाएं, आत्महत्या कर लें, हमारा दर्द क्यों नहीं कोई बताना चाहता। हमारा कोई अवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मौलाना मदनी ने तो ये भी कहा कि जिनको यहाँ पे अगर समस्या हो देश छोड़ के चले जाओ, तो मौलाना मदनी तो हम तो कहते हैं हम कहाँ जाएंगे फिर, मुसलमानों के 57 देश है, हिंदुओं का एक यही देश बचा है, अगर इसमें से भी वो जाने की बात करते हैं तो हम कहाँ जाएं, कहाँ मरें, कहाँ रहने का, हमें तो कोई कहीं जगह ही नहीं है।
250 देश जितने भी हैं सब में इनकी किरकिरी हो रही है। और नूपुर शर्मा को बहुत बहुत बधाई है, जो कि वो शतरानी है, उसने यहाँ पे आके एक अपने स्वर में आवाज़ बुलंद करी है और हम सब उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ही खड़े हैं। ओवैसी को क्या कह रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ओवैसी मुसलमानों का भी सगा नहीं है, हिंदुओं को तो क्या ही सगा होगा। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे हिंदू ऊपर चढ़ेगा, वैसे वैसे ओवैसी जैसे लोग, केजरीवाल जैसे लोग, ये सब बीजेपी से ज़्यादा हिंदूवादी होंगे। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, ये लोग हमारी साइड आएंगे, क्योंकि हम भी बहुत बड़े वोट बैंक हैं। सिर्फ मुसलमान वोट बैंक नहीं होता, हिंदू भी वोट बैंक होता है। ये तो उनका मानना है, वो कुछ भी कहे उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। हमारे लिए वो आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे, और सच्चाई बाहर आके ही रहेगी, देर सवेर आएगी। 350 साल वेट किया है, सही तरीके से वेट किया है। अभी राम मंदिर लिया है, इसके बाद ज्ञानवापी लेंगे, फिर काशी लेंगे, मथुरा लेंगे, फिर ताजमहल लेंगे, कुतुब मीनार भी लेंगे। सब पे कार्यवाही होगी, एक नंबर तरीके से करेंगे, कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही। आप देख लीजिए कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे। जो हिंसक प्रदर्शन हुआ, वो हिंसक प्रदर्शन उन लोगों ने किया, वो गलत किया है। ऐसा पथराव वगैरह उन्हें नहीं करना चाहिए था। प्रदर्शन एक अलग चीज है, हम लोग भी प्रदर्शन करते हैं और कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई मतलब किसी के साथ हम अपने पुलिस कर्मचारियों के साथ पथराव करें या किसी जनता के साथ पथराव करें। जी ये प्रदर्शन नहीं किया है उन्होंने, मेरा वही मेरी विनती है, ये उन्होंने कोई प्रदर्शन, ये वो केवल और केवल अराजकता फैला रहे हैं। और इनकी अराजकता को निचोड़ हमारे योगी महाराज बाबा ने निकाल लिया है। हिंसक प्रदर्शन नहीं है जो इन्होंने अराजकता फैलाई है, ये जो इन्होंने अराजकता फैलाई है, इस पे बस केवल इतना ही कहना है कि आप शांत रहें। आपसे निवेदन है, संविधान को मानते हैं तो संविधान को मानिए, आप किसी कानून को नहीं मानते हैं। जब यहाँ ज्ञानवापी की बात आ जाती है तो आप कानून का उल्लेख करते हैं 1991 एक्ट का, लेकिन CAA के टाइम पे आप उसी कानून जो कि संसद में ही बनाया गया उसका आप विरोध करने के लिए दिल्ली को बंधक बना के बैठ जाते हैं। तो प्रदर्शन कहाँ करते हैं आप, तो अराजकता फैलाते हैं भैया। देखिए सरकारें अपना काम कर रही है, करेंगी। बस हमें ये कहना है कि हम नुपुर बहन की समर्थन में यहाँ पे आए हैं और उसने कुछ गलत नहीं कहा है, वही कहा है जो उसने कोई बात।